गर्मी ने दस्तक दी ही है और झारखंड में पानी की किल्लत शुरू हो गई है। रामगढ़ के सीसीएल के परेज कॉलोनी में भी लोग एक ही बोरिंग पर निर्भर है, जिसकी वजह से पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है। लोग घंटों पानी के लिए लाइन में लगे नजर आते हैं। आपको बताया कि इस क्षेत्र में जितने भी कुएं हैं वे सूख गए हैं, लेकिन इस पर सीसीएल अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। कभी बंद कर देता है, कभी चालू करता है, कोई आसत मारते हैं यहाँ। पानी के यहाँ बहुत दिक्कत है, भीड़ भाड़ लगल रहता है, सर्विस वाला आदमी है, दिक्कत होता है। सबसे बहुत बड़ा समस्या है, इस समस्या को आज तक कोई निदान नहीं कर पाया। और हमारे हेमंत सरकार बोलते हैं कि हर घर में नल जल, स्कूल शिक्षा, लेकिन परहेज में बेहाल है, हर कुछ व्यवस्था नहीं है। दिक्कत है यहाँ पानी नहीं। रामगढ़ से सहयोगी महावीर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। महावीर, जिस तरह से विभागीय मंत्री कहते हैं, दावा करते हैं कि झारखंड की आवाम प्यासी नहीं रहेगी, हर किसी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा, मगर जो आपने तस्वीर भेजी है और जो खबर भेजी है उससे साफ ये देखने को मिल रहा है कि लोग दो बूंद पानी के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। समस्या और भी विकराल रूप लेगी क्योंकि मई जून की गर्मी अभी बाकी है। जी, अभी गर्मी शुरू ही हुई है, लेकिन पानी के लिए लोगों को दर दर भटकते हुए देखा जाने लगा है। कोसों दूर जा जाके एक गिलन पानी के लिए बच्चे तक जाते हैं, भटकते हैं और बहुत मुश्किल से उन्हें एक गिलन पानी नसीब होता है। सबसे ज्यादा जो स्थिति, दयनीय स्थिति है, वो सीसीएल क्षेत्र की है। सीसीएल क्षेत्र लाख दावे करता है कि उसके क्षेत्र में रहने वाले को बिजली पानी सभी मिल रहा है, सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उनके यहाँ तो 2400 घंटा पानी आता है, लेकिन जो कॉलोनी में रहने वाले मजदूर तत्व के लोग हैं, आसपास के ग्रामीण हैं, जो सीसीएल के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराई जाती है उसी पर निर्भर कर रहे हैं, उन लोगों को किसी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ बात पानी की करें तो पानी अपने प्यास बुझाने के लिए लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ रहा है। मैं सीसीएल परेज कॉलोनी और आसपास के रहने वाले रहमत नगर और आजाद नगर में करीब 5000 की आबादी है, लेकिन उस 5000 की आबादी के लिए केवल एक बोरिंग है। आप बताइए कि एक बोरिंग में 5000 आबादी के लोग जो है वो पानी कहाँ से पूरा करेंगे। दर्जनों लोग पानी को लेकर रोज सुबह बोरिंग पर आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है, कभी कभी मारपीट भी होती है। छोटे छोटे बच्चे हो, महिला पुरुष, बूढ़े बुजुर्ग हो, सभी को गैलन लेकर इधर से उधर भटकते देखा जाता है। घंटों इंतजार करने के बाद बहुत मुश्किल से एक गैलन उन लोगों को पानी नसीब हो रहा है। और आपको बतला दूं, क्षेत्र में जितने भी कुएं हैं वो सूख गए हैं और चापाकल तो आज तक वहां लगाया ही नहीं गया है। ये सीसीएल की लापरवाही बोलिए या फिर जो वहाँ प्रखंड के में बैठे अधिकारी लोग हैं उनकी लापरवाही बोलिए कि वहाँ अभी तक एक चापाकल नहीं लगाया गया है। और बतला दूं कि जो ग्रामीणों का कहना है कि सीसीएल परेज पूर्वी उत्खनन परियोजना के प्रबंधन के द्वारा कुछ वर्ष पूर्व क्षेत्र के पानी को समस्या को लेकर 6 की संख्या में बोरिंग लगाया गया था, लेकिन 2 साल पहले ही 5 बोरिंग खराब हो गए हैं, लेकिन उसको आज तक उसका मोटर नहीं बनाया गया। एक मोटर के और बोरिंग के सारे 5000 के जी आबादी है वो पानी के लिए। ये इतनी बड़ी आबादी है और अगर बोरिंग खराब हो गया, कुएं सूख गए हैं तो उसे मरम्मत उसकी नहीं कराई गई या वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई समय रहते, जिस वजह से उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बहुत शुक्रिया महावीर आपका, आप महत्वपूर्ण खबर लेकर प्रकाश में आए, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।